रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। मिलिए उषा चौमार से, 7 साल की उम्र में महिला डोने वाली महिला से लेकर 42 साल की उम्र में प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित होने तक, एक प्रेरक कहानी जो साबित करती है कि बड़े बदलाव को लाने के लिए दृढ़ संकल्प और एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। 42 वार्षिक उषा चौमार कहती है, एक जन्म में मैंने 2 जिंदगियां जी है। 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद वे अपने दृढ़ संकल्प से समाज को बदलने का जज्बा रखती है और उनकी इसी सोच के बल पर उनका नाम पद्मश्री विजेताओं की सूची में आया है। राजस्थान के भरतपुर गांव में जन्मी उषा ने कम उम्र से ही मैला डोने का काम शुरू कर दिया था और उनका काबिला प्रसिद्ध दलित अछूत कहलाता था। उनके परिवार की महिलाएं पूर्व से ही अमानवीय पेशे में लगी थी और उन्हें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। भले ही उन्होंने कई बार इस अभिशाप से मुक्त होने की कोशिश की हो, ग्रामीण समाज ने उन्हें हमेशा सबसे नीचे रखा। जैसे जैसे उषा बड़ी होती गई, उन्हें अपनी माँ के साथ जाने की सलाह दी गई ताकि उन्हें जल्द से जल्द इस पेशे में शामिल किया जा सके। ऐसा लग रहा था कि इस शर्म के दलदल से निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। 2003 में भी वो माँ होते हुए भी मल काटने का काम कर रही थी। उनको क्या पता था कि भविष्य ने उनके लिए क्या सोच रखा था। लेकिन उनके जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया जब डॉक्टर पाठक ने उषा और उसके साथियों के लिए एक वैकल्पिक जीवन शैली का विचार प्रस्तावित किया तो वे अविश्वास में हंस पड़े। समाज के घोर बहिष्कार से सदियों से पीड़ित महिलाओं के लिए अन्य व्यवसायों में नियोजित होना एक बेतुका विचार था। अपने दिल में का डर और असुरक्षा पर काबू पाने के लिए उषा ने प्रस्तावित कार्यक्रम में कदम रखने का फैसला किया, जैसा कि अन्य महिलाओं ने भी किया था। जल्द ही सुलभ ने महिला डोने वालों के लिए स्थानीय NGO नई दिशा की स्थापना की, जहां उन्हें विभिन्न कौशल विकास परीक्षण प्रदान किया गया। यह उनके लिए बेहतर जीवन का एक नया मार्ग बन गया। वह अब हर सुबह दूसरे लोगों की गंदगी साफ नहीं करते थे। केंद्र में जाने से पहले उनका दिन का शुरुआत ताजा स्नान और साफ कपड़ों से होता था। हंसी और प्रसन्नता के बीच महिलाओं ने बैग सिलना, दिए बनाना या जाम, अचार और पापड़ बनाने का शिल्प सीखा। उषा ने अपनी सास सहित अन्य महिलाओं को हाथ से मैला डोने का काम छोड़ने के लिए राजी करना शुरू कर दिया। उषा ने 2003 में अभ्यास से नाता तोड़ लिया और NGO में उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उन्हें जल्द ही नेतृत्व की स्थिति में पहुंचा दिया। सैकड़ों महिलाओं को अपने मार्गदर्शन में लेते हुए उन्हें जल्द ही केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उषा चौमार, जो अब सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष के रूप में काम करती है, उनको सामाजिक कार्यों में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब वह हाथ से मैला डोने के खिलाफ जागरूकता फैलाती है। वह अपनी यात्रा के माध्यम से अन्य महिलाओं को यह संदेश देना चाहती है कि किसी को भी हाथ से मैला उठाने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अस्पृश्यता होती है और जो लोग इस काम को करते हैं उन्हें समाज द्वारा नीचा देखा जाता है। कभी हाथ से मैला डोने वाली अलवर की उषा चौमर ने इस साल पद्मश्री पुरस्कार जीता है, जिसने सभी को प्रेरणा दी है, जहां वह एक विजेता के रूप में उभरी है। देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के 118 विजेताओं में से एक है। उषा का अपने गांव में लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल खोलने का लंबे समय से सपना था, जिनमें से अधिकांश को किशोरावस्था में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। वह जल्द ही अपने सपने को हकीकत में बदलने की उम्मीद करती है। कोई भी सपना कभी बहुत बड़ा नहीं होता और उसे हकीकत में लाने के लिए बहुत देर जैसी कोई बात नहीं होती।
उषा चौमार निस्संदेह कई लोगों के लिए बड़े सपने देखने, सभी बाधाओं और सामाजिक बाधाओं के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा है। और जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही अनसुनी कर्मवीरों की कहानी लेकर।